हेलो गाइस सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल वी सेल्फ और मैं हूं से सो आज हम करने वाले हैं एक और रिव्यू सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो सो यहां पे मेरे पास है मेरे मार्स का ट्रेंड सेटर सेटिंग्स पाउडर ठीक है ये ऐसा सा है और जो मेरा शेड है वो है सॉफ्ट लाइट इसमें आपको ना बड़े सारे शेड्स मिल जाते हैं तो अगर आप शेड्स के नेम पूछने जाएंगे ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जब आप लेने जाएंगे आपको ना वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे शेड्स लिख दिख जाते हैं तो आप देख के आप पेंशन कर ले कि आपका शेड शेड कौन सा है आपका स्किन टोन कैसा है आप उसी हिसाब से अपना पाउडर लेंगे ओके okay? सो so, इसकी हम पैकेजिंग की बात करते हैं इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज मार्स के सारे जो बॉक्स बॉक्स है ना वो ब्लैक और गोल्डन ही मिलते हैं आपको लाइक ब्लैक कलर का बॉक्स और जो भी हो तो उस पर गो, गोल्डन कलर का लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ है बट ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये बड़ा अट्रैक्टिव सा बड़ा लग्जूरियस सा अच्छा सा है यू नो बढ़िया है और यहाँ पे ब्लू कलर का लिखा हुआ है और इसका ब्रांड जो है मार्स वो है और यहाँ पे ऊपर ना शेड नेम आपको दिख जाएगा तो ये जो शेड शेड है सॉफ्ट लाइट है अगेन यहाँ पे जो उससे लगा हुआ है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया यू you नो know? अच्छा लगा मेरे को और मार्ट्स के मैंने इतने सारे रिव्यूज़ किए हैं और मैं सारे प्रोडक्ट के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी तो मैंने ये भी मंगाया है कॉज में सब चीज़ मंगा रही हूँ मार्ट्स का कॉज मुझे एक उसका पूरा ट्यूटोरियल आपको देना है अगर आप बिगिनर्स हैं अगर आपके पास मेकअप नहीं है आप स्कूल गोइंग गर्ल है कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आपके लिए किट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मैं बहुत जल्दी से आपका पूरा एक लुक शेयर करने वाली हूँ तो अगर आप उस लुक को मिस नहीं करना चाहते हैं तो जाके सब्सक्राइब कर दें ओके okay, सो so इसका फ्रंट हो गया बैक पे यहाँ पे लिखा है मार्स ट्रेंड सेटर लूज पॉउर सेटिंग वॉटर गाइज मैं आपको बता दू सबसे अच्छी बात ना कोई भी प्रोडक्ट अगर हमसे सच बोलता है तो हमें अच्छा लगता है यू कि हाँ ठीक है उस बंदे ने हमसे सच कहा है तो इन्होंने आपसे बिल्कुल इन्होंने लाइक सच बोल दिया कि शीर है लाइक आपको ना एक फुल कवरेज जो पाउडर मिलता है वो आपको ये नहीं देगा या जब भी हम कोई फुल कवरेज पाउडर लगाते हैं ना थोड़ा टाइम बाद आप दिखना है तो बहुत ज्यादा वाइट लगता है या फिर वो ना केकी हो जाता है वो चीज होती है अगर हम कोई अच्छा ब्रांडेड चीज नहीं लगा रहे हैं ना तो उसके साथ हमें वो चीज़ फेस करनी पड़ती है बट इन्होंने यहाँ पे साफ कहा है ऑफ शीर कवरेज ऑफ सेट मेकअप फॉर लास्टिंग वेयर शेर कवरेज मिल रही है आपको तो कि नहीं होगा तो लास्ट वेयर रहेगा ओके दीज पाउडर्स आर ऑल्सो परफेक्ट फॉर बेकिंग तो आप इसे एज आ बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं सेटिंग पाउडर है बट साथ में आपको बेकिंग भी कर रहा है तो और क्या ही चाहिए ठीक है गाइज इसका जो प्राइस है वो है टू फिफ्टी तो मुझे पड़ा है जस्ट वन नाइन नाइन गाइज वन डबल नाइन मीन्स टू हंड्रेड का ये है और आपको फिफ्टी रुपीज़ के ऑफ मिल रहे हैं और हमेशा डिस्काउंट चलता है मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से आलबुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाके ले लें अगर आप लेना चाहते हैं तो ओके okay, इसकी सेल्फ लाइफ है आपको फाइव इयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ मिलती है तो हम यहाँ से ओपन करते हैं एन सी और इसका कोड है इस आईटीएम कोड है पी फोर वन फाइव ट्वेल्व एम इसकी क्वांटिटी है तो ये एक वाइट कलर का टब काइंड ऑफ है जो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है और ज़्यादा छोटा या बड़ा भी नहीं है आप ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा है एक मैट पैकेड है इसका मैट कलर है ब्लू कलर का है बट स्टिल ये मैट है और देखने में बहुत ज़्यादा लग्जरियस और अमेजिंग सा है अगेन यहाँ पे आपको शेड दिख जाएगा और इस पे लिखा है ट्रेंड सेटिंग पाउडर सॉफ्ट लाइट सेटर्स शटर्स बार बार यहाँ पे इन्होंने अच्छे से बारे बता दिया है आपको कि शीर कवरेज आपको मिलेगी ओके सेट मेकअप लास्टिंग दिस पाउडर आर आल्सो परफेक्ट फॉर बेकिंग तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे और पैकेजिंग बहुत अच्छी है आप इजीली कैर इसको कैरी कर सकते हैं ओके okay? इसका स्पंज काफी इम्प्रेसिव है यार सी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है लाइक like, बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो so, यहाँ से मैं इसको अगर हटाती हूँ लाइक like, छोटे छोटे होल हैं जिससे हमें प्रोडक्ट को लेने में बहुत इजी हो जाएगा गैस इसमें स्मेल मैं कहूँगी स्मेल नहीं है तो चल जाएगा स्मेल बहुत लाइट स्मेल है बहुत लाइक like, स्मेल नहीं है बोल सकते स्मेल बहुत लाइट है इसकी तो इसकी और यहाँ पे ना ऐसे लाइक like, अपनी फिंगर्स को होल्ड करने के लिए दिया हुआ है इस रेंज में ऐसी चीज़ें होना लाइक like, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है सो so, हम इसको एक ट्राई देते हैं गैस इसको मैं न मैंने आई थिंक इसका पैकेट नहीं निकाला कॉज मुझे आपको बताना था दिखाना था और मैंने इसको अपने एक में किया था और और ये बहुत easily और बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ and मैं आपको पहले लगा के दिखा देती हूँ उसके बाद हम बात करेंगे आई थिंक ये मेरे फेस के लिए बहुत ज्यादा वाइट हो गया है स्पंज काफी ज्यादा अच्छा है इस स्पंज से मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बट स्टिल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत स्मूथ मेरी स्किन हो गई इतनी ईवन लग रही है मेरे को एज मार सच में कमाल कर रहा है मैं मैं सोचती हूँ मैंने पहले इन चीज़ों को क्यों नहीं यूज़ किया दे आर वेरी वेरी गुड इसके मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एंड मुझे किसी ने भी ना मुझे ये नहीं कराया कि मुझे नेक्स्ट टाइम मैं नहीं खरीदूँगी कुछ भी यूज़ करती हूँ नहीं नेक्स्ट टाइम मेरे को और लेना है और लेना है और लेना है बिकॉज दे आर सो गुड देखो मैंने यहाँ पे लगा लिया है एंड सी रही वाला साइड आप देख लें छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं हल्की सी रेडनेस है यहाँ पे मेरा डार्क सर्कल्स है और यहाँ पे मेरी स्किन बिल्कुल इवन एंड फ्रेश फील हो रही है सी और अभी मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी उसके बाद जब मैं इसको यूज करूँगी सी कितना अमेजिंग एंड माइल्ड ब्लूइंग रिजल्ट मिलेगा मेरे को और इसके रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ आप मेरा ये साइड देख लें और ये वाला देख ले को बहुत अच्छे से आपको फ़र्क दिखाई दे रहा है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है बहुत टाइम तक आपके बहुत आराम से चलेगी इसका स्पंच बहुत अच्छा है इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है किसी भी चीज़ के लिए मैं नहीं कहूँगी कि नहीं ये चीज़ ग़लत है ये चीज़ ख़राब है और अगर आप मुझे पूछें कि हमें ये ख़रीदना चाहिए मैं कहूँगी डेफिनेटली यस आपको इसको एक ट्राई तो ये डिजर्व करता है आपको इसको एक ट्राई तो देना ही चाहिए सो so गाइज ये था आज का मेरा छोटा सा सा वीडियो आई होप यू इंजॉय द वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इसका लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लें और ले लें